वेलकम टू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। सारी आप सभी लोगों का मास महाराजा अजय देवगन। अरे भैया हमारी फिल्म है अमिताभ बच्चन एंड रकुल प्रीत सिंह की फिल्म रनवे 34 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? जस्ट टू डेज टू गो, आज ट्यूजडे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे एंड थर्सडे बचा है एंड रनवे 34 वालों ने अब तक फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू नहीं की है। दिस इज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। दिस शोज कि हमारी फिल्मों के जो टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट्स है, उन पे जो मेकर्स है उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपसे कहूं कि 6 मई को रिलीज होने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसकी एडवांस बुकिंग, मैं यार डॉक्टर स्ट्रेंज और रनवे को कंपेयर ही नहीं कर रहा, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं जो अभी से नहीं, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है ना, मंडे वो दिन रहता था शुभ दिन जहां पर एडवांस बुकिंग खुली जाती थी, लाइनें लगा करती थी थिएटर में। क्योंकि उस जमाने में ये 9 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे, 10:30 बजे के शोज नहीं हुआ करते थे। तो ट्रेडिशनल द कन्वेंशनल 12, 3, 6, 9 के शोज हुआ करते थे। इसीलिए मंडे जाकर परिवार जितने भी लोग हैं या दोस्त यार जो है अपनी टिकटें बुक किया करते थे। ये प्रैक्टिस अभी नहीं है कि अभी शुरू की है, आप वो मंडे की परंपरा को स्थगित कर रहे हो, उसको भंग कर रहे हो एंड मंडे के बदले एडवांस बुकिंग थर्सडे रात को या वेडनेसडे शाम को रिलीज हो रहे हो। फैंस है एजिटेटेड, जितने भी ऑडियंस जो है यानी कि अजय देवगन के फैंस है उनमें ऐसी निराशा छाई है। आप फूड ब्लॉगर्स से, आप टिकटॉकर्स से, इंस्टाग्राम से एक कमर्शियल फिल्म प्रमोट करा रहे हो। आई मीन आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि देयर ऑडियंस इज गोइंग टू ब्रिंग ऑडियंस फॉर योर फिल्म। आर यू सीरियस? ऐसा होता तो भाई क्या बात होती। उनके टिकटॉकर्स के वीडियो उनके घर वाले देखते नहीं है एंड यू एक्सपेक्ट देम टू ब्रिंग ऑडियंस फॉर यू? दिस इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ डिजिटल स्पेस। मतलब फिल्म लाइक रनवे 34, वी शुड ओपन द एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग इज इम्पॉर्टेंट, वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्राउंड लेवल प्रमोशंस आर डूइंग दीज थिंग्स। पता नहीं इनकी स्ट्रैटेजी कौन प्लान कर रहा है, डिवाइस कर रहा है। जो नया लो हिट हुआ है कि हमारी हिंदी फिल्में जाकर टिकटॉकर्स और रीलर्स जो जिसे कहते हैं उनसे फिल्में प्रमोट करा रही है, ऐसी फिल्में प्रमोट नहीं होती मेरा भाई। आपके कंटेंट पे आपको मजबूती रखनी चाहिए। गो ऑन रियलिटी टेलीविजन शोज इज रिलेटेड टू फिल्म। ऐसी जगह जाइए जहां पर आप फिल्म, यहां पर फिल्म चैनल हो। मैं जाके अभी फूड चैनल पे जाकर मैं अपना वीडियो प्रमोट कराऊंगा। अब वो लोग खाना बनाना देखने के लिए आए हैं कि वो आपकी पिक्चर का प्रमोशन देखने के लिए आए हैं? नहीं ना। गो टू प्लेसेस वेयर फिल्म्स आर प्रमोटेड एंड फिल्म रिलेटेड चीजें आती है। वो रियलिटी टेलीविजन शोज पे चले जाइए, ऐसा प्रमोशन नहीं होता एंड रनवे 34 हैज गॉन रॉन्ग एवरीवेयर। देखिए गाइस, ईद पे जिस तरह की फिल्म आती है, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था, उस तरह की फिल्म नहीं है रनवे। रनवे 34 इज अ फिल्म विच विल रन ऑन द वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का तगड़ा होगा तब जाके फिल्म चलेगी एंड पहले दिन इसके पास एक नहीं, 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स है। एक तो हीरोपंती 2 एंड दूसरा KGF Chapter 2। KGF Chapter 2 दोनों फिल्म के लिए खतरा है, लेकिन गाइस रनवे एक ऐसी फिल्म है जिसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रखना था। एडवांस बुकिंग मंडे शुरू कर देनी थी एंड जो स्ट्रांग ग्राउंड लेवल प्रमोशंस है उस पे कॉन्सेंट्रेट करना था, जो कि दोनों जगहों पर इसने क्रॉस मार्क लिया है। वेल फ्रेंड्स, मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि फाइनली रनवे 34 की एडवांस बुकिंग जो है, एंड ये सिर्फ अजय देवगन के फैंस के रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि गाइस मैं हीरोपंती का वीडियो है मेरे पास, ओके, रनवे का नहीं बना रहा हूं। आई एम ऑल्सो फीलिंग बैड क्योंकि बड़ी फिल्म है। हाँ, इसे जितनी लिमिटेड हुई है उसमें मैं आपको मेरा प्रेडिक्शन देके जाऊंगा, रन टाइम बताऊंगा। आई होप, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो टीम है जो फिलहाल टिकटॉकर्स एंड रील्स पर प्रमोशंस कर रही है वो थोड़ा यहाँ पर जागरूक होकर एटलीस्ट फिल्म की एडवांस बुकिंग जो है वो ओपन करे। देखिए गाइस, ओवरसीज इसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर YRF इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि YRF इंटरनेशनल, वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हैंडल कर रहा है एंड आई थिंक सिंगापुर में, आपको बताऊंगा, पहले इंडिया पे आ जाते हैं। रनवे 34 का रन टाइम जो है वो है 2 घंटा 28 मिनट, यानी कि रन टाइम लेवल पर काफी अच्छी फिल्म है।
आई होप इसमें लव एंगल या फिर गाने डालकर जिस तरह अटैक का मूड स्पॉइल किया गया था उस तरह का यहाँ पर मूड स्पॉइल नहीं किया जाए. ओके, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द राइटर ऑफ दिस फिल्म आमिल कियान एंड संदीप केवलानी कि उन्होंने ये फिल्म काफी अच्छी तरीके से लिखी है. लेट्स सी अजय देवगन किस तरह से इसको डायरेक्ट करते हैं, सबकी परफॉर्मेंसेज जो है वो किस तरह की रहती है. अहमदाबाद में 5 शोज मिले हैं जहां पर कोई भी टिकट्स बुक नहीं हुई है. चेन्नई में 1 शो मिला है, बेंगलुरु में 3 शो है एंड कोलकाता में 9 शो मिले हैं जहां पर 4% की ऑक्यूपेंसी है. एंड द इनिशियल बज फॉर रनवे 34 ये दर्शाता है कि इसकी ओपनिंग कहीं ना कहीं 6 से 7 करोड़ के बीच में होगी. यस फ्रेंड्स, रनवे 34 पहले दिन कहीं ना कहीं 6 to 7 करोड़ कमाएगा जो ऑब्वियसली हीरोपंती 2 से कम ही है. ओके, हीरोपंती 2 का भी जो प्रेडिक्शन है वो डबल डिजिट से नीचे आ गया है. वेक अप, स्मेल द कॉफी, वो चीजें करिए जो नेसेसरी है. ओके, एक ही होटल में स्थित अलग अलग रूम में अलग अलग कपड़े बदल कर सिर्फ इंटरव्यूज से फिल्में प्रमोट नहीं होती है. ये जो फंडा आ गया हमारे इंडस्ट्री में ये बहुत खराब फंडा आया है. फनी वीडियोस बनाकर, फनी चीजें बनाकर ऐसा प्रमोशन नहीं होता बॉस. प्रमोशन करना है अपनी फिल्म के रिलेटेड प्रमोशन कीजिए. जहाँ जा रहे हैं अपने फिल्म के बारे में बात कीजिए, आपकी फिल्म क्या है उसको यहाँ पे प्रदर्शित कीजिए जनता के सामने. वरना ऐसे प्रमोशन सिर्फ आपका पैसा जो है PNA का उसका कॉस्ट बढ़ाएंगे. ओके गाइस, सो कल मिलेंगे. लेट्स सी जो एडवांस बुकिंग कब खुलती है. मैं कह भी नहीं सकता हूँ, जितने भी फैंस हैं उनके पेशेंस रखिए क्योंकि कट टू कट सिचुएशन चल रहा है. आप लोग देख रहे हो आने वाले समय में क्या हुआ है यहाँ पर फिल्मों के साथ. तो एज कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है एंड पीपल नीड टू पुल अप देयर सॉक्स. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.